हेलो गाइस, एग्जीक्यूटिव छात्र गुड न्यूज़ है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एग्जीक्यूटिव छात्रों को मिला है एक और मौका चैलेंज एलिजिबल भरने का। कौन कौन छात्र एलिजिबल है, कौन कौन भर सकते, कौन नहीं, बड़ी खुशखबरी है। तो बात करेंगे, काफ़ी देखने का एक और चांस मिला है, तो उसको लेकर के आप पूरी अपडेट चले करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर आया है। जिनका भी बैक है या फिर जिनका भी कॉपी अपनी देखनी चाहिए, आपको भले रेगुलर है तो आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं कि आप लोग एलिजिबल है नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल देखिए जो ऑफिसियल सर्कुलर, इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है, सूचित करना है कि सर 2022-23 के विषम सेमेस्टर की करियर के जो परीक्षाएं जो दिनांक 4 जनवरी से लेकर के 6 अप्रैल के मध्य 3 चरणों में संपन्न कराई गई थी, तथा सर 2022-23 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण की जो एग्जाम्स हुआ था जो दिनांक 5 जून से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक संपन्न कराई गई थी। उक्त सर 2022-23 के विषम सेमेस्टर परीक्षा के कैरियर जो एग्जाम्स हुए थे उनके साथ सेशन 2022-23 के इवन सेमेस्टर के प्रथम चरण की जो परीक्षा थी उसमें प्रतिभा करने वाले छात्रों को जो रेगुलर वाले छात्र थे उनका परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं। आगे क्या मेंशन है कि उक्त परीक्षाओं संबंधित ऐसे छात्र छात्रा जो कि अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने के इच्छुक हैं, ऐसे छात्र छात्रा अपने विषय का चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरने से पहले चैलेंज मूल्यांकनों के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या जो कि यहाँ पे मेंशन है क्या कर सकते हैं, अपना वर्डित गाइडलाइन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आगे क्या मेंशन है, पॉइंट 3 से 4 पॉइंट है कि प्रथम चरण में चैलेंज मूल्यांकन हेतु छात्र की उक्त शासन आदेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने के लिए आपको 300 रुपये। हालांकि इसको मांग हो रही कि इसको फ्री किया जाए, लेकिन मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पहले आप इसको देखिए। आगे क्या मेंशन है कि 300 रुपये विश्वविद्यालय में ERP लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करते हुए 5 नवंबर तक डेट है। जी हाँ, 5 नवंबर डेट याद कर लीजिए, कितनी डेट है, 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, 300 रुपये। और उसके बाद आगे क्या मेंशन है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट की प्रथम चरण में चैलेंज मूल्यांकन है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरांत है छात्र की डिजिटल मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका छात्र के ERP पोर्टल पर दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिजिटल मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत यदि छात्र असंतुष्ट होता तो छात्र नियत तिथि, जी हाँ, यानी जिस तिथि होती है उससे तथा चैलेंज नियत तिथि तक चैलेंज मूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आगे क्या मेंशन है कि आपको सूचित कराने का शिकायत, देखो इसमें क्या मेंशन है कि जिन बच्चों ने, पहले मैं आपको डेट दिखा दूँ, हो सकता है आप लोगों को बिलीव ना हो कब की डेट है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेट मेंशन है दिनांक 7 अक्टूबर 2023 आज की डेट है। आगे क्या मेंशन है, आगे इसमें यही दिया गया है कि आप लोग जो एग्जाम्स हुआ था जिन बच्चों का, और जिन बच्चों का कैरियर एग्जाम्स हुआ था चाहे रेगुलर आपका हुआ था, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि सर 2022-23 के विषम सेमेस्टर के कैरियर पेशाओं की परीक्षाओं तथा सर 2022-23 के सम सेमेस्टर परीक्षा के रेगुलर छात्र यानी रेगुलर कैरियर दोनों छात्रों की बात हो रही है इसमें। जी कौन कौन से सर, देखिए आप लोग पूछेंगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कौन कौन से छात्र सर 2022-23 यानी आपको 22-23 में अगर आपने विषम सेमेस्टर के COP एग्जाम्स दिया था इसका रिजल्ट बाद में आया, बाकी सर 2022 यानी अभी इस साल में अगर आपने सम सेमेस्टर का एग्जाम दिया जो आपका रेगुलर था और रिजल्ट नहीं है तो आपका रिजल्ट बाद में आपने चैलेंज क्वेश्चन भर नहीं पाया, तो आप सभी लोग क्या करते हैं चैलेंज मूल्यांकन भर सकते हैं, आपका रेगुलर रिजल्ट डेट में चाहे आपका COP का डेट में है तो आप लोग भर सकते हैं, जिसकी भरने की डेट है 5 नवंबर 2023। फीस कितना है, 500 रुपये स्टेज वन की, उसके बाद जो स्टेज टू का आती है फॉर्म जो फीस होती है वो 2500 रुपये होती है। बहरहाल फ्री करने को लेकर मांग की जा रही है, तो उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी यही अपडेट थी, आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आप लोगों को कोई डाउट है तो हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। आपको नंबर मेंबरशिप सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मेंबरशिप बाय करिए, उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे, कोई और डाउट कमेंट के, बाकी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फीस पे करनी, सारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप लोग वीडियो सर्च करिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक बार चेक जरूर कर लिया करें, जो भी अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। कोई डाउट कमेंट करिए, मिलते हैं, थैंक्स फॉर, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर।